वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक है, जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान। मैं कसम खाता हूँ कि ये पाकिस्तान से ज्यादा मालदार मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है आज भी। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग आउट ऑफ कंट्री में जाके ये नहीं बताते कि वो पाकिस्तानी है, लाइक सीरियसली इंडियन खुद को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो इंडियंस को वहाँ पे फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो लोग भी वो अवेल कर सके। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना, इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का, आपको गले से लगाएंगे वो लोग। टॉप ऑफ द लाइन कटिंग एज स्टफ भारत में हो रहा है, और यही बात बिल गेट्स ने बोली है। नॉट ओनली सॉल्यूशंस एट स्केल, ग्लोबल स्केल के ऊपर, जो सॉल्व करने की ताकत रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो दिमाग रखता है, वो इंडिया है। एज अ पाकिस्तानी मुझे ये कहते हुए और आपसे सवाल करते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब लाइक इंडिया ही इंडिया हर जगह क्यों होता है। पूरे कौम को जहाली बनाया और बीमारी बनाया, तो एक जाहिल आवाम में अगर हो और बीमार भी हो उसको आप कौम कहेंगे क्या? मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है, और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है, जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी, आई लव यू। अरे देखा ना कि जो इनके रिलेटिव वगैरह हैं, हाँ। अभी वहीं काम कर रहे हैं, अगर कोई पेट्रोल पंप पे हो, इनके जो भाई पूरी फैमिली मतलब नॉर्मल तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आपने काफी बार पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक में देखा होगा कि अब पाकिस्तान के लोग अपने गवर्नमेंट को भारत और मोदी जी की मिसाल दे रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि उनके पॉलिटिशियंस और एस्टेब्लिशमेंट को भारत से सीखना चाहिए किस तरह से भारत ने तरक्की की है, किस तरह से मोदी जी ने इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी एक सादगी और सनातनी वाले लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भीख मांगने भी 8 लाख के जूते पहनकर जाते हैं। और दोस्तों, अब भारत की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी अब भारत की ओर देख रहे हैं, और वे चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को रोके और पुतिन को यह समझाए कि किसी भी हालत में रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये दर्शाता है भारत कितना महत्व रखता है पूरी दुनिया के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहा हूं जिसकी क्लिप, जिसकी वीडियो, जिसकी बातें आजकल इंडिया के मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक मैसेज दिया था और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, उनसे बात करेंगे। वैसे तो काफी टाइम पहले मैं इनसे एक वीडियो भी कर चुका हूं, बात कर चुका हूं, लेकिन आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में उनकी वीडियो वायरल है, बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया और वहां पर लोगों ने बहुत पसंद किया। पूछेंगे कि आखिर क्या रीजन थी कि आपने इतना प्यार दिखाया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए, और आगे जो उनकी सोच है, जो ख्यालात हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। आजकल आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि हमें ना तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जैसा चाहिए, ना ही इमरान खान जैसा चाहिए, ना ही कोई ऐसा वैसा चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर जो चाहिए इंडिया का, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन जैसा चाहिए। मुझे बताएं क्या रीजन है, पाकिस्तानी आप और आप कह रहे हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाहिए या उस जैसा चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी, यार इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क के लिए जान हाजिर है हमारी, सब कुछ हाजिर है, लेकिन मकसद ये कि एक इंसान आपको नजर आ रहा है कि यार एक इंसान ने अपने लोगों के लिए क्या किया है, ठीक है, तो हम उसे कैसे बुरा कह दें? आप समझे इस चीज को। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसी आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बेहतर लगी है या उनके गवर्नमेंट की बेहतर लगी है जिसकी वजह से आपने डायरेक्ट ही बोल दिया कि भाई हमें वैसा प्राइम मिनिस्टर, आपने पहले ये बताएं आपने बोला है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल बोला है मैंने। इसकी कौन सी पॉलिसी बेहतर लगी? तस्दीक मैं इसकी करता हूँ, एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू, और एक वो तैयब उर्दगान साहब, इनको भी आई लव यू। ये दो लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे कि जो अपने लोगों के लिए जीते हैं, जो अपने लोगों के लिए, अपने लोग कौन होते हैं, जो आपकी आवाम है उसके लिए। मुझे ये बताएं, जब आप इस तरह की बात करते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बेहतर हैं, वहां पे रूल एंड रेगुलेशन है, तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, लेट्स सपोज यहां से ही सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं, आज मुझे बता दें। आज मैं बता ही देता हूं आपको, आज से चंद साल पहले ना मैं इंडिया को अच्छा बोलता था। देखिए जो अच्छा कर रहा है हमारा हमसाया है, हम सबसे पहले उसे अच्छा कहेंगे। जबरदस्त। तो मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त वो मुझे कहते थे वो तू पाकिस्तानी होकर ये क्या कर रहा है, और भाई वो तरक्की कर रहे हैं, वो सब आज वो दोस्त मेरे अपने मुंह से कहते हैं कि इंडिया बेस्ट।
क्यों कि हमें वो चीजें नजर आ रही थी यार, हम लोग पाकिस्तानी मुब्बे वतन होके तो ठीक है, मुब्बे वतन है, पाकिस्तान के लिए हमारी जाने भी हाजिर है, लेकिन इन्हें शर्म दिलवाने के लिए ये बातें हो रही हैं सारी है। कि आप भी शर्म कर लो यार। और भाई मोदी से नफरत करते उसे सीखो, उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है, और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है, जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू, ठीक है, एक काम आपने मोदी जी करना है, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें तो पूरी दुनिया में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आपको सोच आई है या थोड़ा बहुत हम लोगों को में अवेयरनेस आ रही है, और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं कि यार वो से हम सिर्फ इंडिया नहीं, हम कहते हैं बांग्लादेश से सीख लो, हम कहते हैं चाइना से सीख लो, सऊदीया से, तुर्की से सीख लो। आपकी बात काटता हूँ ऐसे हाथ रख के, पता है मैं आप लोगों को लाइक क्यों करता हूँ? आप यकीन करें, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं, ना मुझे कुछ देते हो, बिल्कुल नहीं देते। मैं आपको क्यों लाइक करता हूँ, एक तो सच्ची बात करते हो आप, बिल्कुल जेन्युइन बात करते हो, और वो बात करते हो कि जो जिससे हमारा मुल्क पीछे आया हुआ है उनसे शर्म आई, ये लोग आगे आए, तरक्की करें, सीखें। कहीं ये वजह तो नहीं है कि जब सच दिखाया जाता है तो थोड़ा कड़वा लगता है, तो वो फिर लोग कह देते हैं कुछ भी, जिसका दिल, अब लेट्स सपोज ये भाई खड़े हैं, ये कहते हैं यार ये क्या इंडिया 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 लगे हैं इन्हें पाकिस्तान। जो पढ़ा लिखा होगा ना वो तो इस बात को समझो, जाहिल है, जिसका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, मुब्बे वतन, मुब्बे वतन, वतन भी तो कुछ दे ना। अच्छा वतन को भी तो हम सब कुछ दे जा रहे हैं। आपकी वीडियो उधर वायरल है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं है, आपकी वीडियो उधर ट्रेंडिंग में है इंडिया में, ठीक हो गया, लेकिन यही जब ये भाई देखेंगे, वो भाई देखेंगे, जो भी इधर खड़े हैं वो देखेंगे, वो कहेंगे उबैद भाई, आबिद भाई, वो कहेंगे आबिद की वीडियो इंडिया के चैनलों पे क्यों चलती है, वो इसका मतलब इंडिया को तारीफ करता है इसलिए चलती है, मतलब वो ये एक लॉजिक ले आएंगे, यानी कि सुहेब चौधरी की वीडियो इंडिया के चैनल पे क्यों चलती है। इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती है कि वो तारीफ के लायक है, जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान, और अभी भी पाकिस्तान हमारा है यार, उसे सही करने के लिए तड़प रहे हैं हम लोग कि वो उस मुल्क को हम सही करें, ये मुल्क हमारा दुनिया में फिर नाम बनाए, क्योंकि नेपर के साथ रिलेशन बेहतर करें। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं ना, तो उसके बदले हमारे मुल्क को हमें कुछ ना दो यार, हमारे मुल्क को तरक्की दे दो यार, उस मुल्क को ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, जिसके लिए हम टैक्सेस दे रहे हैं, जिसके लिए हम पे करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, इतनी कोशिश करते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए, और आप लोग खा पी के साइड पे बैठ जाते हो। आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक है इसमें थोड़ी बहुत सोच बदलेगी आने वाले कुछ टाइम में, मतलब जो अभी कुछ लोगों को लग रहा है, ये तो मुझे गारंटी से पता है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि आने वाले चंद ही महीनों में, कुछ सालों में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मजबूरन ये बात करेगा कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक हो गया? आपका चैलेंज बड़ा कामयाब होगा, ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है? आप दोस्ती करोगे, आपको क्या फायदा मिलेगा, आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी, ऐसे ही है, आपकी हर चीज में कमी आएगी। आप घी का पैकेट देख लो यार, आम घी का अभी पैकेट, वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट, यहाँ पे क्या रेट, यहाँ पे चल, यहाँ पे तकरीबन 600 रुपए का एक पैकेट है 1 किलो वाला, और इंडिया में मेरे ख्याल से 350 रुपए का होगा। ठीक हो गया। तो जब आप उनसे दोस्ती बनाओगे ना, आपके आलू, टमाटर, प्याज, इच एंड एवरीथिंग, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, हुआ था एक दौर में, हमने देखा था इंडिया से ये चीजें आने लग गई हुई थी, दोस्ती अच्छी थी, और वो वाजपेयी साहब का दौर था। अच्छा, अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनसे एक दो दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया है कि जैसे श्रीलंका की आपने हेल्प की है मुश्किल वक्त में, ऐसे ही पाकिस्तान भी अभी मुश्किल वक्त में, डिफॉल्ट कुछ कह रहे हैं हो चुका है, कुछ कह रहे हैं होने वाला है, जो भी है, ठीक है, क्या आप पाकिस्तान की हेल्प करेंगे? तो उस पर उन्होंने ये नहीं कहा, देखें वो ये भी कह सकते थे नहीं भाई वो तो हमारे खिलाफ नफरत रखता है या हम उसके खिलाफ नफरत रखते हैं, हम नहीं हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पे कि उसने आगे किस तरीके से चलना है, यानी कि ऑप्शन थोड़ी बहुत। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसने ये क्यों बात की आपके साथ, जब आपने अपने चैनल्स पे अपने बच्चों के जेन में ये चीज बिठाई हुई कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया से जंग करनी है, इसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं यूज किया और कुछ बताते। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का, आपको गले से लगाएंगे वो लोग, क्योंकि आप एक एक ही माँ के बेटे हो, एक ही जगह से निकले हुए हो आप लोग, एक ही मुल्क से निकले, 1947 से पहले सब एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही खाते थे, पीते थे, कुछ भी नहीं था, ये सब ड्रामा था एक मुल्क को अलग करने के लिए। जब ये गवर्नमेंट अलग हुई, मुल्क अलग हुए, तो देख लो फिर तरक्की किसने की, जिनका दुनिया में ये चाल की डिवाइड एंड रूल का उन्होंने किया, तकसीम करो, आप इतने बड़े वो बनने की कोशिश
कोशिश करते हो, आप एक बांग्लादेश अपना बचा नहीं सके और बांग्लादेश आपसे बहुत ऊपर चला गया। अफगानिस्तान की भी हमारे एंकर पर्सन एंकर हजरत एग्जांपल देते हैं, लेकिन वही बात जब हम करते प्लस किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे इंडिया में नॉर्मली रिलेशंस के लिए कहीं पे भी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा है कंट्री में, वो उसके वजह से आपके देश की स्टेटस दिखता है। और मोदी जी ने साबित किया है रिलेशंस को किसी भी कंट्री में, आज देख लो आज हर एक कंट्री, फ्रांस भी मैंने सुनने में आया कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज आप रशिया के अगेंस्ट बोलो और रशिया को समझाओ भी उस चीज के लिए। ओ भाई साहब, तो ये पता क्या होता है, उनको पता है आज के टाइम इंडिया का स्टांस बहुत बढ़ जाए पर, और इंडिया की दोस्ती रशिया के साथ भी बहुत अच्छी है, इंडिया की दोस्ती अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छी है, और इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर दे, लेकिन उससे पहले है कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो अगर मीट करते हैं प्लस टेररिज्म पे करते हैं, तो इस चीज के ऊपर बहुत डिस्कशन होगा। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।